तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जो कि यामा RX 100 के ऊपर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो यामा RX 100 का ये जो क्लच लीवर होता है, ये ऐसा है कि अगर आपका गाड़ी कहीं भी स्टैंड से या फिर ऐसे एक्सीडेंटली गिर जाता है तो पहले ये लीवर टूटता है। तो गाइस, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लाया है, और जो कि मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को कि उसके जगह पे मैं कुछ और इंस्टॉल करने वाला हूँ उसमें। मतलब ब्रेक लीवर यामा RX 100 का नहीं रहेगा, उसके अलावा अदर बाइक का इसके अंदर हम लोग क्लच लीवर सेट करने वाले हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे लाके रखा हुआ है। लीवर का भी सेट है और ये जो लीवर होल्डर होता है ये भी सेट लाके रखा हुआ है। इसको आज हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो गाइस, देर ना करते हुए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फटाफट कैसे इसको इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो आइए पहले इसको खोल लेते हैं, जो पुराना वाला हमारा क्लच लीवर है उसको खोल लेते हैं, और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये वाला कैसा है। उसमें खोलने के लिए पहले हम लोग को स्विच निकालना होगा, जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। यहाँ पे स्विच का जो स्क्रू है ये हम लोगों ने खोल दिया यहाँ पे, और ये वाला भी स्क्रू खोल देते फटाफट। गाइज, एक्चुअली इसका ये है कि जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले इसका हैंडल चेंज किया था, जैसे कि आप लोग पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो कि इसका हैंडल चेंज हुआ था। बट तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार ये लीवर तो बहुत ही नाजुक होता है और जरा से भी बाइक गिरने पे वो तुरंत टूट जाता है। सो गाइज, मैं अभी इसका ये खोल देते हैं मिरर का, ये नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ही इजीली खुल जा रहा है। उस दिन जैसे हैंडल टाइट कर रहे थे, हैंडल लगा रहे थे, जब भी हम लोग ये वाला RD 350 का हैंडल इंस्टॉल कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करना पड़ रहा था इसमें। अभी ये वाला बहुत ही इजीली खुल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये खुल गया है, ये लीवर भी निकल गया इसका। ये वाला सेट मैं ऐसे ही रखूँगा क्योंकि ये ओरिजिनल सेट खरीदा था मैंने यामा के लीवर का। तो गाइज, अभी इसका जो ग्रिप है ये भी उस दिन भी इतने मेहनत करके निकाला था, आज भी मेहनत करके निकालना पड़ेगा। तो गाइज, अभी अपना ये ग्रिप निकल चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। अभी इसको यहाँ पे ये लीवर भी निकाल दिया है मैंने, और लीवर निकालने के बाद अपने को इसको भी निकालना पड़ेगा। तो गाइज, अभी ये एज इट इज जैसा उस दिन हैंडल था वैसा हो गया, बस एक साइड का सब लगा हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने इसके लिए क्या लाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है होल्डर लीवर, ये लीवर का होल्डर है, और यहाँ पे गेस करके मुझे बताना गाइस कि ये कौन से बाइक का लीवर है, क्योंकि मुझे जानना है कि ये एक्चुअल में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये गाड़ी का, क्योंकि मैंने देखा कि ये गाड़ी का बैठता है या नहीं। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कौन से गाड़ी का होल्डर है, जो लीवर का होल्डर है, क्लच लीवर का होल्डर है, ये कौन से बाइक का है, कौन से बाइक में आप लोगों ने देखा है, वो भी मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए अभी इसको इसमें इंस्टॉल करते हैं। अभी इसको पहले मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे गाइस देख सकते हो ये खोल के मैंने यहाँ रख दिया। इसको पहले मैं इसमें, बहुत ही इजीली फिट हुआ देख सकते हो आप लोग, बहुत ही इजीली इसको, मतलब बोलते हैं ना कि जो पहले के पार्ट्स आते थे वो बहुत ही डिफिकल्टी उसके साथ झेलनी पड़े, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट रहता था उसके साथ काम करना। मतलब बोलते हैं ना कि अभी वो वाला जो माउंट है, जो हैंड ये अपना क्या बोलते हैं मिरर का माउंट आता है जो क्लैम्प, वो वाला इसमें फिट करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता था। ये बहुत ही इजीली ये बहुत ही चला गया यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। लेकिन इसको मैं यहाँ पे ही सेट कर देता हूँ। यहाँ पे सेट करने के बाद इसका जो नट है वो फिट करते हैं इसमें। यहाँ पे ये टाइट हो गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ ये लीवर का सेट है, ये देख के तो आप लोग पहचान ही जाओगे कि ये कौन से बाइक का है।
यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं रहता, नहीं तो यहाँ से भी आप लोग जान सकते थे। तो यहाँ पे ये लीवर अभी इसमें हम लोग फिट करेंगे ऐसे, उससे पहले ये वाला जो सेटअप है ये कर लेते हैं। और ये केबल मैंने अटैच कर दिया है। और गाइज एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो आप लोग होल देख रहे हो, ये जो होल देख रहे हो यहाँ पे, लाना जरा दिखाना, ये जो होल देख रहे हो ये, यहाँ पे एक और चीज आती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये चीज के लिए ये अधूरा है, ये इसका वॉशर है जो कि अंदर साइड में रहता है और इसके वजह से मतलब उसमें प्ले नहीं आता है। अभी इसको क्या बोलते हो तो मुझे पता नहीं, बट मैं तो वॉशर के टाइप में ही समझता हूँ इसको। और यहाँ पे ऐसे डाल के ये अंदर जाता है जिससे कि जो क्लच लीवर में जो प्ले आता है वो प्ले नहीं आता है। तो गाइस अभी उसका बोल्ट भी अलग है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, गिर गया नीचे। उसका बोल्ट भी अलग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसको पूरा प्लेन है और यहाँ पे इसको खाचा दिया हुआ है, मतलब इसमें जाके सेट होएगा। और इसको अभी हम लोग इसमें लगा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और इसके लिए यहाँ पे ये हो गया सेट। अभी इसका जो ये है ये भी लगा देता हूँ, ये इसका जो नट है ये भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जिससे कि ये हो जाएगा प्रॉपर फिट। उसके बाद में इसको एडजस्ट करेंगे लीवर को अपने हिसाब से। ये देख सकते हो आप लोग, ये पूरा फिट हो गया उसके अंदर। अभी यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये पूरा फिट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्लच अपना एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी में वर्किंग कर रहा है। और अभी इसको ग्रिप लगा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हो अभी इसका ये जो ग्रिप है ये लगा दिया। उसके बाद में इसका जो स्विच है हैंडल बार लेफ्ट साइड का जो स्विच होता है ये भी स्विच में लगा देते हैं। तो गाइस फाइनली अपना ये हो गया सेट। अभी मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हो अभी ये है अपना जो ये क्या बोलते हैं क्लच लीवर और होल्डर, ये मैंने दूसरे गाड़ी का इसमें इंस्टॉल कर दिया है। और यहाँ पे नॉर्मल भी दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों की, नॉर्मल ये कैसा दिखता था। नॉर्मल एक देख सकते हो आप लोग, दोनों को यहाँ पे रख दिया है मैंने। और यहाँ पे दोनों में कंपेयर करके भी देख सकते हो, ये बहुत ही नाजुक क्वालिटी का था, मतलब इसमें एक ही बार गिरने पे ये टूट जाता था। मतलब अभी बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो मैंने सोचा कि अभी इसको चेंज ही कर देते। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का भी लग रहा है ये। ये मैंने बहुत दिनों से खरीद के रखा था, बट अभी मुझे टाइम मिला तो मैं इसको लगा रहा हूँ। और गाइस इसका जो क्लच का वर्किंग का ये है वो भी बहुत ही स्मूथली ये हो रहा है, स्मूथ मूव हो रहा है, मतलब क्लच बहुत ही अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। फाइनली आज की वीडियो यहीं तक थी, जो कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये कौन से गाड़ी का क्लच लीवर है और क्लच होल्डर मैंने इंस्टॉल किया है या RX 100 में। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी, जैसे कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो में आप लोगों को ले लाता रहूंगा।